शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस कौन बनेगा करोड़पति को अभी बंद होना था। अगर पैसे नहीं मिले तो मोनिका इस पति को रोड पे ले आएगी। अरे तुम छत पर क्या कर रहे हो? अब तक नहाने नहीं गए? अगर पैसे मिल जाए तो गंगा नहा लूंगा। क्या कहा? कुछ नहीं जाऊंगा, नहाने जाऊंगा। एक कप चाय मिलेगी? इस घर को चाय की दुकान समझ रखा है क्या? रोज एक कप चाय पीकर ही हल्के होने जाते हो। सुबह से 10 कप पी चुके हो और बाथरूम जाने का कोई नाम ही नहीं। हल्का कैसे हो जाओ, उसने इतनी भारी पुच्छ मारी है। क्या? कुछ नहीं मेरी माँ, कुछ नहीं। कलयुग घोर कलयुग। इन्हें भी कलयुग में आना था। एक और सीनियर सिटीजन के घर में ढाका और इस बार बेचारी 60 साल की बूढ़ी औरत के घर से पूरे 13 लाख लूट कर ले गए। आगे पढ़िए ना। पुलिस का कहना है पूरा गैंग ऑपरेट करता है। पहले किसी बहाने से घर की घंटी बजाता है डिंग डोंग, उसके बाद घर में एंट्री लेकर सब कुछ साफ कर देता है। और ये गैंग के गट्स देखो, चोरी के बाद वहां पर अपनी निशानी छोड़ कर जाता है। निशानी गोल्डन कलर का ग्लव। कैन यू इमेजिन व्हाट दिस वर्ल्ड इज कमिंग टू। गैंग, हाउ इंटरेस्टिंग। मम्मी जी, क्या है? मैं क्लिनिक जा रहा हूँ। तो आरती उतारू? नहीं नहीं, बिंदिया आए तो कह देना कि मैं घर देरी से आऊंगा। कह दूंगी। वो भी तो किट्टी पार्टी के बाद शॉपिंग जा रही है, लेट आएगी। और आप भी जरा घर के दरवाजे को अंदर से ठीक से लॉक कर लीजिए। क्यों? क्योंकि सामान बहुत खराब हो गया है ना। तो अपनी फिक्र कर। अच्छा अच्छा, मैं चलता हूँ। बाय लघु सासू जी। पैर इधर है। जानू, देखो मैं तुम्हारे लिए नाश्ते में क्या लाई हूँ। क्या हुआ, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों उतरा हुआ है? अब तुम्हें क्या बताऊँ? अभी मुझे नहीं बताओगे तो और किसे बताओगे? छोड़ो, मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। ठीक है। अरे तुम्हें नहीं बताऊंगा तो किसे बताऊंगा यार। रामलाल जी की चिट्ठी आई है। रामलाल जी? हाँ, पता है आज से पूरे 30 साल पहले जब पिताजी पहली बार मुंबई आए थे तब उनके जेब में सिर्फ 1 10 रुपए का नोट था। तब रामलाल जी ने उन्हें घर दिया, खाना दिया, नौकरी दी, सहारा दिया। इतना सब कुछ सिर्फ 10 रुपए में? सुनो ना, मरने से पहले पिताजी ने मुझसे कहा था कि बेटा मीत, भगवान चाहे तुम्हें जितने ही मौके दे, रामलाल जी का एहसान चुकाने के लिए वो कम है। और आज उनकी चिट्ठी आई है, उनकी बेटी की शादी हो रही है और लड़के वालों ने दहेज मांगा है। उन्होंने आज पहली बार मुझसे मदद मांगी है। अब तुम ही बताओ भला मैं उनकी मदद कैसे करूं? अरे, कैसे अरे, करूं? क्या कर रहे हो? हमें उनकी मदद करनी चाहिए ना। नहीं आंचल, नहीं नहीं, मैं उन बेशरम पतियों में से नहीं हूं जो अपने बीवी के बाप के पैसों को अपने बाप के दोस्तों में दान करते। कैसी बात कर रहे हो, जो कुछ मेरा है वो आपका ही तो है। नहीं आंचल, मैं अपनी बीवी से पैसे कभी नहीं ले सकता, नेवर। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। बापू, मुझे माफ कर देना बापू, आपको दिया हुआ वचन मैं नहीं निभा पाया। जानू, प्लीज मत रोना जानू। देखो तुम्हें मुझसे पैसे लेने ही होंगे। आंचल, कितने पैसे मांगे थे उन्होंने? सिर्फ 10 लाख। क्या? आज शाम तक। ओ, मगर घर पे मेरे पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं। वो बैंक में फिक्स डिपॉजिट है ना? हाँ, बैंक में है। चलो 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 जल्दी चलो जल्दी चलो। बंदी बढ़िया को क्लोरोफॉर्म सुंगा के सुला देगा। साली डब्ल्यूडब्ल्यूएफ की बच्ची है। कौन आ गया इस वक्त? अरे बाबा आती हूँ। चश्मा किधर है मेरा? आती हूँ। ये कौन है? कोई नहीं है। मेरा चश्मा किधर है? अरे बाबा बोला ना आ रही हूँ। कौन है? अरे दूध वाला हूँ माँ जी। दूध वाला? इस टाइम पर? दूध वाले भैया तुम इतनी देर से क्यों आए हो? वो का है ना कि हमारी भैसन माँ जरा सुबह देर से उठी ना, इसलिए। अजीब फैशन माँ की फैशन माँ है तुम्हारी। रुको खोलती हूँ। Ah!
भी मैं सुनी हो। You want to mess with me? Good night, my sweetheart. Golden Club Gang. मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगता हूं कुछ ऐसा चक्कर चला दे कि लक्ष्मी आकर मेरे कदमों में गिर जाए। भगवान, मैंने तुझसे लक्ष्मी मांगी थी, महालक्ष्मी नहीं। सुबह सुबह इसको पैर पड़ने के अलावा कोई काम ही नहीं है। जी, आपसे एक छोटी विनती करनी थी। क्या है, जल्दी बोलो। जिस सार्वजनिक संस्था की मैं मेंबर हूँ ना, वो पिछले 2 महीनों से बेघर बच्चों के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे हैं। अरे यार, मैं चंदा कहाँ से दूंगा? अरे आपको कुछ देना नहीं है, चंदा इकट्ठा हो गया है। उन बच्चों को एक नई जिंदगी देने की ये हमारी छोटी सी कोशिश है। कितनी छोटी कोशिश है? 12,05,350 रुपए। 12,05,350। तो मैंने सोचा कि पैसे अच्छी तरह से बैंक में जमा करने वाला आपसे बेहतर और कौन हो सकता है? आप मेरे लिए पैसे जमा कर देंगे ना जी? मैं? तुम महान हो, भगवान का वरदान हो, मेरे जीवन का सवाल हो। छोड़िए मुझे, मेरी जान। उठिए। जानू, तुम नहीं जानती कि आज तुमने मुझे ये पैसे देकर, ये जिम्मेदारी देकर मुझ पर कितना बड़ा उपकार किया है। भूल जाओ, आज के बाद इन पैसों को भूल जाओ। क्या? अब मेरा मतलब इन पैसों की चिंता करना भूल जाओ। मैं इन पैसों को बिल्कुल सही जगह पहुंचा दूंगा। ठीक है, अब मैं अपने सत्संग के लिए जा रही हूँ। जाओ सत्संग, गो। लेकिन जानू, बैग। सॉरी बच्चों, अगर मुझे बेघर होने से बचना है तो आपको कुछ दिन और बेघर रहना पड़ेगा। सॉरी। हाँ, अबे फट्टू सुन, सारा पैसा अब इस बैग में, से कुछ हुआ ना तो तेरी धुलाई कर दूंगा। धुलाई? तेरे घर में अगर वॉशिंग मशीन खराब हो जाए ना तो मुझे बता देना, मैं अपनी सास को भेज दूंगा। तुमसे अच्छी धुलाई तो कोई वॉशिंग मशीन नहीं कर सकती। अरे धुलाई तो मैंने भी अपनी खुद की करवाई, लेकिन झूठ मूठ की। खुद के कपड़े फाड़े, मेकअप करके घर पहुंचा और कहा मैं करता भी तो क्या करता, वो लोग 4 थे और मैं सिर्फ 1। 10,00,000 रुपए ले गए, साथ में ये 2,05,350 रुपए छोड़ गए। शायद उनको 10,00,000 की ही जरूरत थी। आप पैसों की चिंता मत कीजिए, भगवान की कृपा से आप सही सलामत है। मेरी श्रद्धा और पूजा काम आ गई, अब तो मैं भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए पहले से भी ज्यादा व्रत रखूंगी। क्या? हाँ। मतलब अब तो कुछ और महीनों तक भूखा रहेगा। अरे इस मोनिका नाम की बंदूक ने मेरी भूख ही मिटा दिया यार। हिम्मत देख मोनिका की घड़ी। देखा कैसे आराम से बैठी हुई है। हम जैसे बकरों को फांस के मजे से ही बैठेंगे ना। चल। हम पैसे साथ लाए। मोनिका जी, ये कुछ बोल क्यों नहीं रही है? हेलो हेलो, इसे किसने मारा? अरे मुझे क्यों पूछ रहा है? मैंने थोड़ी मारा यार। हम यकीन कैसे कर ले? ए प्रेम, तू ज्यादा शाना मत बन, समझना। तू इसको पूछना। ये कह रहा था ना उस दिन कि रस्सी से गला घोट के मार देते। देख, गले पे निशान भी है रस्सी के। हाँ, हमारे
तुम दर मेरी तरफ ऐसे ऐसे क्यों देख रहे हो? रात तक मैंने मक्खी नहीं मारी, इसे क्या मैं खाक मारूंगा? अरे यार ये भी सही बोल रहा है। हे ये फोटोज, वो पैसे लेके फोटोज देने वाली थी ना। बैग 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 में होंगे। चक्कर चक्कर। अरे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है। मैं तो कहता हूँ लाश को गाड़ी में छोड़ कर निकल जा। ताकि पुलिस को इसकी लाश मेरी गाड़ी में मिले और मैं फांसी में लटकूं, यही चाहता है तू? तो हम दोनों को भी क्यों फंसा रहा है यार? बॉस बस तो अब हम तीनों गए हैं, जब तक ये लाश ठिकाने नहीं लग जाती कोई ऐसे हिलेगा नहीं, समझे ना? ठीक है जल्दी जो भी करना जल्दी करना यार। ए बेना, हाय हाय, एक चिकनी तीन चिकने, क्या सीन है? देखो अभी हमें जाना है। अरे हीरो ऐसे कैसे चले जाओगे बिना कुछ दिए ही? कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा ना, क्यों बेबी? हाय हाय, ये बेबी कुछ बोलती नहीं क्या? क्या हुआ इसे? अब कुछ नहीं कुछ नहीं, अब तबीयत खराब है, तभी मैं देखूं जरा। पैसे दे, क्या करें, छुट्टे पैसे, छुट्टे पैसे। हाय हाय, भगवान तुम्हारा भला करे, लंबी उम्र हो तुम्हारी। लंबी उम्र? अब मैं मीत तक तुम्हारा मिलना। हाय हाय टाटा। शिट, मुझे बहुत डर लग रहा है यार। क्यों भट्टो, मुंह खोला तो जान से मार दूंगा। मुझे जेल नहीं जाना यार। शिट शिट, शट अप यार, दोनों इडियट्स। शिट, डॉक्टर कब आया? हमको देख लिया यार। शिट शिट शिट, अबे लेकिन तू क्या कर रहा था? वैसे भी वो समझ गया कि तेरे में अफेयर चल रहा है। चुप करो यार तुम दोनों।